अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है तो आपका भाग्य बिगड़ना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षक बनाएं। आपका बोलना, जो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ में नहीं आता। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ के छांव से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलब ये दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआ मांगने से किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो आपने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, तुम जरा उठकर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर के सामने बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत ही मायने रखता है। अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो फिर आपको खुशी कभी नहीं मिलेगी। किसी बात पर हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़कर अपने लिए प्रयास करने लग जाते हैं। अपने शरीर को स्वस्थ रखना आपका कर्तव्य है, वरना आप अपने मन को मजबूत और स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। सच्चाई को अपनी जमीन बनाएं, सच्चाई को अपना घर बनाएं, क्योंकि दुनिया में इससे बड़ा कोई घर नहीं। ज़्यादा बात करने वाले कुछ भी नहीं कर पाते हैं, और कुछ कर दिखाने वाले ज़्यादा बात करने में यकीन नहीं रखते हैं। अपना मन अच्छे कार्य को करने में लगाएं, इसे बार बार करें, फिर आप देखेंगे कि आप खुशी से भर जाएंगे। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता, अगर आपकी इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा तुरंत जन्म ले लेती है। असली समस्या यह है कि आपको लगता है कि एक फलाना काम को करने के लिए अभी आपके पास बहुत समय है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा लक्ष्य नहीं खोज पाया जिसके लिए वह मर सकता है, तो वह जीवित रहने के लायक ही नहीं है। विश्वास के बिना आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते, इसलिए अगर आप धर्म को पाना चाहते हैं तो विश्वास बहुत ज़रूरी है। किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी दुष्ट मित्र से अधिक डरना चाहिए। जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत ही कम लोग हासिल कर पाते हैं। जिस तरह एक ठोस चट्टान तूफान से स्थिर रहती है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति भी प्रशंसा या दोस्त से प्रभावित नहीं होते। एक अनुशासनहीन मन जितना आज्ञाकारी कुछ भी नहीं होता। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना ही नुकसान पहुंचा सकता है जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से वहां बहा कर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग रह जाते हैं। देखते समय सिर्फ देखिए, सुनते समय केवल सुने, महसूस करते समय सिर्फ महसूस करें, और सोचते समय केवल सोचे। यही वास्तविक में करना। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव को जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करने लगते हैं। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल
हो जाते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थिति आने पर उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाता है। दुनिया नहीं जानती, हम सभी का अंत यहीं पर होना है, लेकिन जो लोग इस सत्य को जानते हैं उनके सारे झगड़े एक ही बारी में खत्म हो जाती है। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याएं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, और निश्चित ही रूप से आपकी आदतों से आपका भविष्य बदल सकता है। अगर हम परिवर्तन के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के आगे आने की उम्मीद करेंगे तो परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि हमें खुद को ही उसके लिए आगे आना होगा। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ चढ़ कर मत बताइए, और ना ही दूसरे से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द पढ़ ले, आप चाहे कितने भी पवित्र शब्द बोले, लेकिन जब तक आप उन्हें अपने जीवन में नहीं उतारते उनका कोई लाभ नहीं। अगर आपका चित्त शांत है तभी आप इस ब्रह्मांड के प्रवाह को सुन पाएंगे, इसकी लय ताल को महसूस कर पाएंगे। खुशी इसका ताला है और ध्यान इसकी चाबी है। यदि आप समस्या का हल निकाल सकते हैं तो फिर चिंता क्यों करनी, और यदि समस्या का कोई समाधान नहीं तो फिर चिंता करने का कोई फायदा नहीं। कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा बोलते रहने से कुछ नहीं सीख पाता। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है जो धीरज रखने वाला, क्रोधित ना होने वाला लीडर होता है। हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देना चाहिए। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी अपनी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। और कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई तुम में भी है और जुबान दूसरों के पास भी है। ज्ञान स्वयं एक वरदान है, इंसान तो केवल उसका आविष्कार करता है। किसी भी चीज का घमंड आ जाए तो शमशान का एक चक्कर लगाना, तुमसे बेहतरीन लोग वहाँ पर राख बने पड़े मिलेंगे। झूठे व्यक्ति की ऊंची आवाज़ सच्चे व्यक्ति को चुप करा देती है, परंतु सच्चे व्यक्ति का मौन झूठे इंसान की जड़ें हिला देती है। जीवन में ऊंचा उठने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं, अच्छे शब्द ही इंसान को बादशाह बनाते हैं। झुकना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह नम्रता की पहचान है, पर यह याद रखना, आत्मसम्मान खोकर झुकना खुद को खोने जैसा है। लोग शायद मोहब्बत करने वालों को भूल जाए, मगर इज्जत देने वालों को कभी नहीं भूलते। मंजिलें गुमराह भी कर देते हैं। हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। अब वक्त के साथ खुद को बदलना ही जिंदगी है। अगर कोई आपको नीचा दिखाता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हैं। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे या सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तब केवल भगवान ही आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगाता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीब इंसान को अपना राज मत बताओ। जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ हो सकता है। बिना मतलब के आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दो, तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिसे आप देख नहीं सकते, लेकिन उनके बिना रह भी नहीं सकते।